अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जाहिद अली ममन, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नेचुरल स्टार पाकिस्तान व्लॉग। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ़ है और साफ ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है। और अब हवा चूँकि काफ़ी ठंडी चल रही है, तो इसलिए मालूम होता है कि आसपास मौसम ख़राब है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी काले बादल छाए हुए हैं, तो मालूम पड़ता है कि वहाँ बारिश आने वाली है। ये हमसे कुछ फासले पर है, लेकिन महसूस होता है कि बारिश आने वाली है। वहाँ काले बादल हैं, और काले बादल जब भी होते तो बारिश आने की जो ना तवक्कुआत ज़्यादा रखते हैं लोग। और यहाँ हमारे यहाँ मौसम बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हैं कोई बादल वगैरह नहीं है। जी दोस्तों, तो चूँकि यहाँ मौसम साफ है और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस साइड पे बारिश आने का ख़तरा ज़्यादा है, तो बारिश आ गई है, बारिश हो चुकी है। और बारिश रुकने के बाद जो आसमान पे जो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, इसको कोसे कज़ा भी कहते हैं, धनक भी कहते हैं, इंग्लिश में रेनबो कहते हैं, और हिंदी ज़बान में चूँकि इंडियन लोग इसको सतरंगी भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है बारिश के बाद, चूँकि वहाँ बारिश हुई है। और अब जो बारिश के जो कतरे होते हैं या जो नमकियात होते हैं, वो चूँकि फ़ज़ा में मौजूद होते हैं, और फिर सूरज की रोशनी जब उस पानी के कतरों पे पड़ती हैं, तो इससे आसमां में कोसे कज़ा, दनक या जो सतरंगी की थे वो बन जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि दनक बन चुकी हैं। हमेशा बारिश के बाद जब सूरज निकलता है, तो फिर इस तरह का कोसे कज़ा, दनक या फिर जो सतरंगी की थे वो बन जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। शुक्रिया।